माननीय अध्यक्ष महोदय, गत दिनों भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी रानी कमलापति के नाम पर किया गया। देश के पहले नवनिर्मित विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इस रेलवे स्टेशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में माननीय मध्य अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर रेलवे स्टेशन का विकास और विस्तार कर इसे हवाई अड्डों जैसी सुविधाओं से युक्त करने की योजना पर काम प्रारंभ हो चुका है। IRSTC भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम द्वारा यह कार्य PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जाना है। 240 करोड़ रुपए की योजना गत 2 वर्षों से अधिक समय से आकार ले रही है। मेरी जानकारी के अनुसार RFP आमंत्रित करने व टेंडर आदि की प्रक्रिया के स्तर पर यह योजना आकार ले रही है। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ग्वालियर का वर्तमान रेलवे स्टेशन हेरिटेज इमारतों की श्रेणी में आता है। इसका विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण इसके मूल स्वरूप को सहेज कर ही किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के कार्यान्वयन में गति लाने की आवश्यकता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि नवीन संसद भवन व सेंट्रल विस्टा का निर्माण वर्ष 2023 तक पूर्ण हो जाएगा, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के विस्तार व आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें व संसद के इसी कार्यकाल के पूर्व इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराएं। धन्यवाद।